जय श्री कृष्ण एवरीवन, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग और इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट पे बात करेंगे, हमारी हेल्थ के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। आपको अपनी जन्म पत्रिका दिखानी है, अपने जीवन के बारे में पूछना है, अपनी दशा के बारे में पूछना है, ग्रह क्या कर रहे हैं, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत आसान है। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशन पेड होती है। तो दोस्तों, जो ये विषय है हेल्थ का, ये हमारे जीवन में बहुत प्राइम इम्पॉर्टेंट विषय है। देखिए, हमको जीवन में हर प्रकार के धन उपलब्ध हो जाएं, परिवार उपलब्ध हो जाएं, सुख उपलब्ध हो जाएं, सब जानते हैं कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो इन सारी चीजों का जीवन में कोई अर्थ नहीं रह जाता है। खाना भी देखिए बेस्वाद हो जाता है, रिश्ते भी खराब हो जाते हैं, और एनर्जी किसी भी प्रकार के काम के लिए रहती ही नहीं है। हेल्थ प्राइम फैक्टर है। तो देखिए, हम लोग अपने चार्ट में हेल्थ को किस प्रकार से देखते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको फैक्टर्स बताने जा रहा हूं वो प्राइम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। उसके अलावा भी और भी चीजें कुछ देखनी होती हैं जिससे हमारी हेल्थ जो है बेटर या हो सकता है और डिटोरिएट या खराब होने की स्थिति शो हो जाए। तो देखिए, अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे अपने जीवन के लिए, हेल्थ के लिए। अग्नि के देखिए जो सोर्स हैं वो है सूर्य देवता, हम सभी जानते हैं, और दूसरे सोर्स है मंगल देवता। सूर्य आप मान के चलिए या सन मान के चलिए, जो अग्नि देते हैं वो गिवर ऑफ लाइट है, वो नॉलेज है, और जो प्रोटेक्टर हैं इस अग्नि के थ्रू जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे जीवन को, हमारे शरीर को, वो मंगल देवता हैं। तो सन और मार्स ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ में, अगर हम लोग हेल्थ की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों को अग्नि देते हैं या एनर्जी देते हैं जो कि बाद में हेल्थ और वेल्थ के काम आती है। सूर्य देवता वैसे भी हमारे जीवन में हर प्रकार के हेल्थ और वेल्थ दोनों के गिवर हैं, इस बात को अवश्य याद रखिएगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताना था जरूरी कि हमारे जीवन में जो अग्नि होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वही देखिए हमको चलाती है, वही हमारे जीवन में जो अन्न हमको मिलता है वो अन्न से हमारे शरीर का पोषण करती है, यही अग्नि पोषण करती है। तो जीवन में इस अग्नि का महत्व हमारे लिए बहुत ज्यादा है, और अगर हमारे शरीर में अग्नि की कमी होगी, बट नेचुरल है, एक वीक बॉडी, एक वीक इंटेलिजेंस और एक वीक वेल्थ को भी या हमारे धन को भी वो रिप्रेजेंट करता है। सबसे प्राइम फैक्टर हमारे लिए हेल्थ का क्या है हमारे जीवन में? लगन और लगन का लॉर्ड। ये पहले इंपॉर्टेंट दो पॉइंट्स है कि हमारा लगन अगर स्ट्रांग होगा, हमारा लगन का लॉर्ड अगर स्ट्रांग होगा तो हमको अच्छी हेल्थ प्राप्त होती है। लगन जो है वो अग्नि को ही दर्शाता है। हमारी पत्रिका में 1, 5 और 9 हाउसेस ये अग्नि को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे लगन कोई भी हो। 1st, 5th और 9th हाउस ये हमारे जीवन में अग्नि का परिचायक हैं, उनको शो करते हैं। तो हमारा जो लगन है वो प्राइम इंपॉर्टेंट बन जाता है और लगन का लॉर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दोनों चीजें हमारी पत्रिका में अगर स्ट्रांग हैं तो ये एक अच्छे हेल्थ की निशानी है। लगन में बेनिफिक या शुभ प्लैनेट बैठे हो, जैसे कि शुक्र, बुध, बृहस्पति, अच्छा चंद्रमा बल के साथ, तो ये हमको अच्छी हेल्थ प्रदान करते हैं। लगन का लॉर्ड चाहे कोई भी हो, उसमें मेलिफिक प्लैनेट भी हो, अगर वो अपने घर में भी बैठा हुआ है तो उसको स्ट्रांग ही मानना चाहिए। जैसे कि मंगल अगर 1st हाउस में बैठा हुआ है तो लगन का लॉर्ड अपने घर में अगर बैठा है, बट नेचुरल है, हाई एनर्जी, हाई अग्नि को शो करता है और गुड हेल्थ को शो करता है। अदरवाइज 1st हाउस में अगर मेलिफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, जैसे शनि, मंगल, केतु, राहु, ये बैड हेल्थ को शो करते हैं, ये वीक
अग्नि को शो करते हैं हमारे जीवन में। लगन में अगर 3 से ज्यादा प्लैनेट किसी की पत्रिका में बैठे हैं, ये भी एक इंडिकेशन है कि जीवन जो है कई मामलों में बिखर जाएगा, चाहे वेल्थ के मामले में, चाहे हेल्थ के मामले में। ये स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है कि हमारे लगन में 3 से ज्यादा ग्रहों का जब प्रभाव होता है तो लाइफ में अप एंड डाउन कभी खत्म होता ही नहीं है, और वो कई विषयों को लेके होता है हमारे जीवन में, सिर्फ हेल्थ को लेके नहीं, जीवन के हर एक संदर्भ में आप इसको देख सकते हैं। तो लगन में 4 प्लैनेट अच्छे नहीं माने जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। स्ट्रांग लगना हमारी स्ट्रांग हेल्थ को शो करता है। लगन का लॉर्ड स्वयं में एक अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। लगन का लॉर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगन का लॉर्ड अगर हमारी पत्रिका में केंद्र स्थानों में बैठा हुआ है, बलवान है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली वो हमारे लगन को चार्ज करता रहता है। और अगर हमारी पत्रिका में लगन का लॉर्ड और हमारा लगन ये दोनों ही अफेक्टेड हैं, तो ये हमारे जीवन में एक लो इम्यूनिटी को, बैड हेल्थ को और भी कई चीजों को खराब ही बताता है। देखिए, लगन स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे जीवन का, वहीं से सब शुरुआत हुई है। लगन हमारी फिजिकल बॉडी है, हमारा शरीर है लगन। अब अगर यहां पे मेलिफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो लगन कमजोर होता है, वीक होता है। हम उससे पूरी एनर्जी या उसकी अग्नि या ऊर्जा हम नहीं ले पाते हैं उन प्लैनेट्स की वजह से। और अगर जैसे मैंने आपको बताया लगन में आपके शुभ प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, इसी के साथ एक और भी पॉइंट साथ में आता है कि लगन का लॉर्ड भी हमारे लिए उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब अगर वो केंद्र स्थानों में बैठा है तो अति शुभ है। लगन का लॉर्ड अगर 6th में 7th में या 12th में बैठा हुआ है, उसको खराब माना जाता है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत वीक माना जाता है, लो एनर्जी माना जाता है। दूसरी बात, अगर आपके लगन का स्वामी मरण कारक स्थान में बैठा हुआ है, नीच का है या किसी कर्ज में इन्वॉल्व है, जैसे कि आपके लगन के लॉर्ड को 2 मेलिफिक प्लैनेट्स देख रहे हैं या साथ में बैठे हैं, लगन का लॉर्ड 7th में बैठा है या 6th में बैठा है और उसके साथ मंगल या केतु, शनि ऐसे प्लैनेट साथ में बैठे हैं या उनको देख रहे हैं, खराब हेल्थ का ये सूचक है ये आपके लिए, इस बात को अवश्य ध्यान रखिएगा। तो लगन और लगन का लॉर्ड अगर दोनों फेल होते हैं तो आप ये मान के चलिए जीवन कई प्रकार से जो है वो अनहैप्पीनेस क्रिएट करता है, हेल्थ के मामले में, वेल्थ के मामले में, इंटेलिजेंस के मामले में, हमारी सारी चीजें बिगड़ जाती हैं। तो लगन हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, लगन का लॉर्ड हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। लगन में जो प्लैनेट आपके बैठे हों उस प्लैनेट को देवता समझ के उसकी पूजा अवश्य करनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रेमेडी में आपको अभी आगे और बताऊंगा लास्ट में, लेकिन लगन पर जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है वो आपके लिए स्वयं देवता के बराबर है, अग्नि देवता के बराबर है। आपको उसका पूजन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, और अगर वो मेलिफिक प्लैनेट है तो और ज्यादा, वजह नहीं तो वो आपकी हेल्थ को बहुत खराब करता रहेगा। फर्स्ट हाउस में सैटर्न सबसे गलत या बुरा माना गया है, ये उसके लिए मरण कारक स्थान है। तो कई मामलों में आपके जीवन में प्रोफेशन, इंटेलिजेंस, हेल्थ, इन सारी चीजों को लेके बहुत परेशानी या ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, लगन का लॉर्ड अगर 8th हाउस में बैठा हुआ है उसको अच्छा माना जाता है, उसको स्ट्रांग माना जाता है, क्योंकि नेचुरल जोडियाक में या काल पुरुष की कुंडली में हम देखेंगे कि 1st, 8th और 10th हाउस जो है, 1st हाउस मेष राशि, 8वां स्थान वृश्चिक राशि या 10th हाउस कैप्रिकॉन या मकर राशि, यहां पे जो मंगल है एक मेष राशि उसकी स्वयं की राशि है, स्कॉर्पियो भी उसकी स्वयं की राशि है, और 10th जो मकर राशि है वो उसकी उच्च की राशि है। तो यहाँ पे अग्नि जो है वो स्वयं रहती है, आप इसको ऐसा मान के चलिए कि सबके चार्ट में जैसे 1st हाउस में अग्नि विराजती है वैसे ही 8th हाउस में भी अग्नि विराजती है, या वहां पे उसका
ठिकाना है वहां पे, उसका ग्रह है, आप इसको ये मान के रखिए। इसीलिए लगन का लॉर्ड जो स्वयं एक ऊर्जा का सूचक है, वो अगर एट्थ में जाके बैठता है तो हेल्थ के लिए ये खराब बात बिल्कुल नहीं है। इस बात को मैं बहुत इंपॉर्टेंटली क्लियर करना चाहता था। बाकी फैक्टर्स आपने समझ लिया कि अगर लगन इफेक्टेड होगा और लगन का लॉर्ड इफेक्टेड होगा तो हेल्थ में परेशानी आ सकती है। यहां पे एक और भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लगन को हमारा जो लगन होता है उसको अगर शुभ प्लैनेट्स देखते हैं, जैसे बृहस्पति देखता है या शुक्र देखता है या बुध देखता है, तब भी लगन स्ट्रॉन्ग माना जाना चाहिए। और अगर लगन को सैटर्न, राहु, केतु, मंगल ये देखते हैं तो ऐसे लगन वीक होता है, कमजोर होता है। सन लेकिन अगर लगन को या लगन के लॉर्ड को देखता है तो ऐसा लगन का लॉर्ड एनर्जी या ऊर्जा पाता है और लगन भी ऊर्जा पाता है, क्योंकि सन स्वयं जो है ऊर्जा या अग्नि के प्रदाता हैं, उन्होंने ही अग्नि आगे डिस्ट्रीब्यूट करी है, वो नॉलेज है, वो ज्ञान है, लेकिन उनके जो कंट्रोलर हैं उन्होंने वो मार्स को या मंगल को दिया है। तो इसीलिए सूर्य का, सन का लगन को देखना एक स्ट्रॉन्ग लगन को इंडिकेट करता है, लगन के लॉर्ड को भी देखना एक स्ट्रॉन्ग लगन का लॉर्ड शो करता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट हमारी पत्रिका में आता है सन से लेके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। सन क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट हाउस का कारक प्लैनेट है। जो कारक प्लैनेट होता है वो देवता होता है उस घर का, या यूं कह लीजिए भगवान की इच्छा को दर्शाता है, या यूं कह लीजिए भगवान के एक जजमेंट को दर्शाता है वो जो कारक प्लैनेट होता है। तो हमारे फर्स्ट हाउस का लगन का लॉर्ड कोई भी हो, लेकिन फर्स्ट हाउस का कारक प्लैनेट कौन होता है? सन। हम सबके लिए वो कारक प्लैनेट है। एक बात याद रखिए, अगर सन पत्रिका में वीक है, नीच का है, खराब स्थिति में बैठा हुआ है, पावर लेस है एक तरीके से, इसका मतलब क्या हुआ? भाव डिस्ट्रॉय हो जाता है। कौन सा भाव डिस्ट्रॉय हो जाएगा? फर्स्ट हाउस जिसके वो कारक हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहां पे ऐसी स्थिति में लगन का लॉर्ड अगर हमारे चार्ट में स्ट्रॉन्ग नहीं है, तब ये याद रखिए ऐसे व्यक्ति का जो जीवन होता है वो बहुत परेशानी, बहुत हेल्थ इश्यूज से निकलता है। सन बहुत प्राइम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि सन का स्ट्रॉन्ग होना, क्यों? क्योंकि वो कारक प्लैनेट है, और अगर वो खराब है इसका मतलब ये है कि प्रभु स्वयं हमको कुछ बातों के कर्म दंड जो है हमारे जीवन में दे रहे हैं, और उसका हमको जो है वो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, एज के हमारी इंटेलिजेंस, हमारे रिसोर्सेज, हमारी वेल्थ, हमारा हेल्थ, ये सारी चीजें हमारी खराब होती हैं। अगर सन हमारी पत्रिका में स्ट्रॉन्ग है, ये एक अच्छी विटालिटी का, एक अच्छे हेल्थ की निशानी शो करता है। सन अगर हमारी पत्रिका में स्ट्रॉन्ग है तो हम हर प्रकार के रिसोर्सेज प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि सन हर प्रकार की चीजों के प्रदाता या दाता हैं, वो हर चीज देते हैं। इस जीवन में जितनी चीजें हैं, चाहे वनस्पति हो, चाहे मेटल हो, किसी चीज की भी बात करें, उन सबके जो गिवर हैं वो सूर्य देवता हैं। रिसोर्स इज सन। आप अपने चार्ट में देख लीजिए, सन अगर स्ट्रांग होंगे, बहुत अच्छी स्थिति में बैठे होंगे अगर आपकी चार्ट में, ऐसे व्यक्ति को रिसोर्सेज बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। अच्छे घर परिवार में जन्म होना, या उसको इतने प्रकार के कॉन्टैक्ट्स, उनके काम सारे जीवन में बन जाते हैं, विद गुड हेल्थ भी यहाँ पे, क्योंकि हेल्थ का पॉइंट पे बात हो रही है। तो सन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे स्वयं की हेल्थ के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि वो लगन भाव का फर्स्ट हाउस के कारक प्लैनेट होते हैं। सन अगर पत्रिका में फोर्थ में या सेवेंथ में अगर बैठे हो तो उनको वीक माना जाता है, उनको कमजोर माना जाता है, उनको स्ट्रांग अवश्य करना चाहिए। सन अगर हमारी पत्रिका में सेकंड में, सिक्स्थ में, एट्थ में और ट्वेल्थ में बैठे हैं, ये खराब स्थिति होती है हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए, बहुत खराब स्थिति होती है। बारहवें में तो सूर्य जो है मरण कारक कहे जाते हैं, इसका अर्थ होता है कि जीवन में हेल्थ, वेल्थ, यश, प्रोफेशन, काम, इन सब में हमको काफी दिक्कत
जीवन में आती है। तो ये हमको पता चल गया कि हमारा लगन, लगन का लॉर्ड हमारे कौन सी स्थिति में है वो बताएगा हमारी हेल्थ को। सूर्य या सन हमारे चार्ट में बताएगा कि हमारा जो है हेल्थ कैसे रहने वाली है। सन अगर 1, 5 या 9 में त्रिकोण स्थानों में बैठा हो, तो अच्छे राशियों में बैठा हो, तो हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। केंद्र स्थानों में भी 1st में और 10th में सूर्य को अच्छा कहा गया है। ऑफ कोर्स 3rd और 11th में भी सन जो है अच्छे रिजल्ट हेल्थ के लिए शो करते हैं, लेकिन 2, 6, 8 और 12th में सन वीक होते हैं या बैड हेल्थ अवश्य शो करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर लगन का लॉर्ड भी खराब है तो काफी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसी के साथ सन के साथ ही दूसरा एक पॉइंट अटैच है, सन जिसकी राशि में बैठे हैं उसको कहा जाता है सूर्यपति। अब अगर वो प्लैनेट आपकी पत्रिका में सुसज्जित नहीं बैठा है, उदाहरण के तौर पे सूर्य आपकी पत्रिका में शनि की राशि में बैठे हुए हैं, और शनि अगर आपकी पत्रिका में खराब हैं, नीच के हैं, ऐसी स्थिति में बैठे हुए हैं, तब आप ये बात मान लीजिएगा कि सूर्य हमें जीवन में, अगर अच्छी स्थिति में भी सूर्य हमारी पत्रिका में बैठे हैं मान लीजिए, लेकिन अगर जिसके घर में सूर्य देवता बैठे हैं वो जो डिपॉजिटर है, शुभ सूर्यपति है, जो सूर्यपति है जो, अगर वो सही नहीं बैठे हैं हमारे चार्ट में, तो हम ना अच्छी हेल्थ पा पाएंगे, ना जो हमको रिसोर्सेज प्राप्त होंगे हम उनका पूरा इस्तेमाल या यूज कर पाएंगे, हमारी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा खराब होगी। ये वही वाली स्थिति होती है कि कई बार हमारे पास सामने रिसोर्सेज भी होते हैं, साधन भी होता है, रास्ता भी होता है, लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं पाते, हम उसका उपभोग नहीं कर पाते हैं। कई बार हमारे सामने खाने की अति होती है लेकिन हम नहीं खा पाते हैं। इसका क्या मतलब है कि सूर्य जिनके घर में बैठे हुए हैं वो प्लैनेट अगर आपकी पत्रिका में खराब स्थिति में बैठा हुआ है, वो एक लो हेल्थ को शो करता है, बैड हेल्थ को शो करता है, या ये शो करता है कि जीवन में जो ऊर्जा हमको प्राप्त हो रही है हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। सूर्य जिसके घर में बैठा हुआ है वो प्लैनेट लगन से और लगन के लॉर्ड से अच्छी स्थिति में बैठा हुआ एक स्ट्रॉन्ग हेल्थ शो करता है। अगर सूर्य जिनके घर में, सन जिसके घर में बैठे हुए हैं उसका लॉर्ड अगर मान लीजिए 10th हाउस में बैठा है, तो वो लगन से 10th हो जाएगा, तो बहुत सपोर्ट करेगा वो लगन को, आप अपने सारे रिसोर्सेस को या एनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से यूज कर पाएंगे। और लगन के लॉर्ड से भी अगर वो प्लैनेट केंद्र में, त्रिकोण में, शुभ स्थानों में बैठा हुआ है, तो बहुत अच्छी हेल्थ को प्रदान करेंगे। और इसी के साथ मान लीजिए किसी की पत्रिका में सन 12th हाउस में बैठे हुए हैं, जुपिटर की राशि में बैठे हुए हैं, मीन राशि में बैठे हुए हैं, और जुपिटर यहाँ पे मान लीजिए आगे से 3rd हाउस में स्वयं मरण कारक स्थिति में पड़ा हुआ है, ऐसी स्थिति में बहुत बैड हेल्थ को शो करते हैं, इस बात को अवश्य ध्यान रखिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, हमारा जिस दिन जन्म होता है, देखिए 7 दिन है, 7 प्रकार की अग्नियां हैं, सूर्य देवता 7 तरीके से डिवाइड होके, 7 दिनों में डिवाइड होके एक तरीके से अग्नियों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हर दिन की एक अलग फॉर्म ऑफ अग्नि होती है, मंडे की अलग, ट्यूजडे की अलग, वेंसडे की अलग। तो आप जिस दिन पैदा हुए हैं वो लॉर्ड आपके चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण के तौर पे आपका जन्म सोमवार को हुआ है, तो इसका मतलब चंद्र देव उसके लॉर्ड होते हैं, चंद्र जो है आपके लिए अग्नि के ही समान हो गए। क्यों? क्योंकि जिस दिन हम पैदा होते हैं वो जो दिन होता है उसमें बहुत अग्नि का समावेश होता है, वो हमारे लिए अग्नि है, वो हमारी ब्लेसिंग्स हैं जो हमको प्राप्त हुई हैं।
सूर्य देवता के द्वारा कि हमको कौन सी अग्नि प्राप्त हुई है, हमको सोमवार की या मून की अग्नि प्राप्त हुई है, हमको मार्स की अग्नि प्राप्त हुई है, कोई ट्यूसडे को जन्म हुआ है, किसी का बुधवार को जन्म हुआ है, तो मरकरी या बुध महाराज जो है फॉर्म ऑफ अग्नि शो करते हैं। ये प्लैनेट अब जिस दिन आप पैदा हुए हैं वो प्लैनेट आपके चार्ट में स्ट्रांग है, अच्छी जगह पे बैठा हुआ है, अच्छी इम्यूनिटी और अच्छी हेल्थ का इंडिकेशन है, बहुत स्ट्रांग हेल्थ शो करता है। ये अच्छी हेल्थ का ही नहीं, अच्छे इंटेलिजेंस का, अच्छे वेल्थ का, हर प्रकार से आपका शुभ करता है, क्योंकि जिस दिन आपका जन्म हुआ होता है वो अग्नि एज अ ब्लेसिंग आपको प्रभु की तरफ से या सूर्य देवता की तरफ से प्राप्त हुई है। वहीं पे अगर जिस दिन आपका जन्म हुआ है वो लॉर्ड आपकी पत्रिका में अगर कंबस्ट है, नीच का बैठा हुआ है, खराब स्थानों में बैठा हुआ है, बलहीन है एक तरीके से, आप स्वयं देखेंगे हेल्थ आपकी अच्छी नहीं रहती है, वेल्थ आपको प्राप्त नहीं हो पाती है। अगर आपका जन्म जिस दिन हुआ है वो आपकी पत्रिका में स्ट्रांग बैठा हुआ है, अच्छे घरों में बैठा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली जो घर उस प्लैनेट के अकॉर्डिंगली स्ट्रांग होंगे तब बहुत अच्छी हेल्थ और अच्छी वेल्थ का परिचायक है, और अगर वो खराब स्थिति में बैठा होगा तो काफी हेल्थ के इश्यूज जीवन में कई दशाओं में आते रह सकते हैं, या इनक्योरेबल डिसीज को भी ये शो करता है। वो कैसे, आप जिस दिन आपका जन्म हुआ है, उदाहरण के तौर पे आपका जन्म हुआ है मान लीजिए फ्राइडे को और उसके देवता हो गए शुक्र, D60 चार्ट में देखिए ये शुक्र महाराज कैसी स्थिति में बैठे हैं। अगर फोर्थ हाउस में वहां बैठे हैं दिग्बली हैं, फर्स्ट हाउस में सुंदर राशि में बैठे हुए हैं, त्रिकोण में बैठे हुए हैं, ये एक अच्छी हेल्थ शो करते हैं। लेकिन अगर आपका जो डे लॉर्ड है, जैसे यहां पे उदाहरण शुक्र का लिया, और D60 चार्ट में वो सिक्स हाउस में बैठे हुए हैं, कहिए नीच के राशि में बैठे हुए हैं, ये पास्ट लाइफ की कर्मा की वजह से आपको इनक्योरेबल डिसीज का पनिशमेंट मिला है प्रभु की तरफ से, आप ऐसा कह सकते हैं, ये दंड है जो आपको अपने जीवन में उठाना पड़ेगा। आपका जो डे लॉर्ड है जिस दिन आपका जन्म हुआ है वो D60 चार्ट में अगर खराब स्थिति में बैठा है, नीच का है, अस्त का है, खराब घरों में बैठा हुआ है अपने अकॉर्डिंगली, जो घर उसके लिए उचित नहीं है, तो ये आप बात मान के रखिए कि लॉन्ग टर्म आपको बीमारी शो कर सकता है, हेल्थ इश्यूज शो कर सकता है, और उसकी वजह है पास्ट लाइफ में उस प्लैनेट से रिलेटेड किए गए गलत कर्म। अगर शुक्र है तो आप समझ सकते हैं कि स्त्रियों के साथ या ज्यादा उपभोग करना कई चीजों का ये कारण बना है जिसकी वजह से आपको इस प्रकार की हेल्थ इश्यूज अब जीवन में आ रही हैं। तीन चीजें आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया लगन, लगन का लॉर्ड सन, सन जिसकी राशि में बैठा हुआ है वो वाला लॉर्ड, और आप जिस दिन आपका जन्म हुआ है वो डे लॉर्ड अगर आपकी पत्रिका में स्ट्रांग है, आपको अच्छा हेल्थ, फाइनेंस सब कुछ प्राप्त होगा, और ये अगर खराब है तो स्थिति खराब हो सकती है हेल्थ के मामले में लेके। ये इंपॉर्टेंट 75% पॉइंटर्स हैं आपके हेल्थ के लिए। उसके बाद और भी कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि कुछ कर्सेज होते हैं हमारे जीवन में, कुछ दोष होते हैं, जैसे कि सूर्य का राहु के साथ बैठे होना, चंद्रमा का राहु के साथ बैठे होना, मंगल शनि राहु का कंजंक्शन होना, इस प्रकार के कई ग्रहण योग या कई दोष हमारी पत्रिका में हमारी हेल्थ को खराब कर सकते हैं। ऐसी स्थिति जब आपका लगन का लॉर्ड खराब स्थिति में पड़ा हो, डेब्लिटेटेड हो, मान लिया जाए किसी का सन भी खराब स्थिति में बैठा हो, और ऐसी स्थिति में अगर पत्रिका में सूर्य का राहु के साथ कंजंक्शन है और वो एट्थ हाउस में पड़ा है, आप समझ सकते हैं हेल्थ, वेल्थ या जीवन का क्या हो सकता है। हमारी सिक्स्थ और एट्थ हाउस की जो दशाएं होती हैं,
हमारे जो सिक्स और एट्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स होते हैं उनकी दशाओं में हमें जीवन में डिसीज या हेल्थ से रिलेटेड सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है अगर चार्ट में ऐसा शो हो रहा है तो, अदरवाइज प्रॉब्लम की कोई बात नहीं होती है। और अगर आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पत्रिका में स्ट्रांग है, जैसे आपका लगन स्ट्रांग है, आपके लगन का लॉर्ड स्ट्रांग बैठा हुआ है, सूर्य आपकी पत्रिका में स्ट्रांग बैठे हुए हैं, सूर्य जिनके घर में बैठे हैं वो आपकी पत्रिका में स्ट्रांग है, जिस दिन आपका जन्म हुआ है वो डे लॉर्ड स्ट्रांग है, तो छठे और आठवें में अगर कोई प्लैनेट बैठा भी हुआ है उससे घबराने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। वो इस प्रकार का हेल्थ इश्यू नहीं शो कर रहा है जो आपका जीवन रोक दे या जीवन के मायने खो दे उस चीज में। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अंत में अगर आपके फैक्टर्स खराब हैं, जो मैंने आपको बताए हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, फिर से सुन लीजिएगा, तो आपको अपने लगन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, गायत्री मंत्र आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, महामृत्युंजय मंत्र डेली करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो पॉइंट्स, आपका जो लगन का लॉर्ड है उससे रिलेटेड मंत्र करना, उस लॉर्ड से रिलेटेड अगर मंगल है तो मंगल से रिलेटेड मंत्र करना, सूर्य है तो सूर्य से रिलेटेड मंत्र करना बहुत आवश्यक हो जाता है। गायत्री, महामृत्युंजय और लगन के लॉर्ड का मंत्र करना आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीन प्राइम फैक्टर्स हैं। अगर आपकी पत्रिका में आपका डे लॉर्ड वीक है, दिन का स्वामी अगर वीक है, तब जो वो लॉर्ड है, जैसे कि मान लीजिए आप संडे को आपका जन्म हुआ है और सूर्य आपकी पत्रिका में वीक है, तो वैसे ही अग्नि आपके शरीर में या आपके जीवन में कम हो गई जो आपको हेल्थ इश्यूज दे रही है। डे लॉर्ड के लिए आपको महाविद्या का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप संडे को जन्म हुआ है और सूर्य आपकी पत्रिका में वीक है, जो वैसे भी स्ट्रांग होना चाहिए, तो आपको माता मातंगी की पूजा करना आवश्यक हो जाता है, वही आपकी हेल्थ को कंट्रोल कर पाएंगी। अंततः हमको महाविद्याओं के पास, अपनी जननी के पास जाना ही पड़ेगा उस हेल्थ के लिए। तो अगर आपका डे लॉर्ड वीक है या खराब है, तो उस डे लॉर्ड से संबंधित जो महाविद्या होंगी उनका पूजा करना बहुत आवश्यक हो जाता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, बहुत इंफॉर्मेशन प्रदान करेगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।